दोस्तों स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल एहसानल इलेक्ट्रिशियन में। दोस्तों आइए आज दिखाते हैं, मेरे पास 60 मॉडल का बोर्ड है, आइए इसका वायरिंग दिखाते हैं किस तरह से हम करते हैं, जिसमें एक मिनी MCB भी लगा हुआ है और एक ट्यूबे स्विच भी लगा हुआ है, देख लीजिए दोस्तों, और 16 एम्पियर का सॉकेट और 3 प्लेन स्विच लगा हुआ है। आइए इस वीडियो के अंदर जानेंगे, हम सीखेंगे इसका वायरिंग सरल और आसान तरीका में किस तरह से करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले एक वायर यहाँ से यहाँ तक हमको छीलना है, एक वायर का टुकड़ा इस तरह से वायर लेना है, इस तरह से वायर लेके ये वायर को यहाँ से कट कर लेना है। पहले दोस्तों वायर नहीं, PVC को कट कर लेना है इस तरह से। PVC हम कट कर दिए हैं और स्विच का जो नीचे वाला टर्मिनल होता है, नीचे वाला टर्मिनल सबको खोल देना है, बारी बारी से हमको खोल लेना है पहले इस तरह से। टर्मिनल जितना भी स्विच है सब स्विच को टर्मिनल जो है लूज कर देना है दोस्तों, ये 6 एम्पियर तक, ट्यूबे का भी नहीं करना है दोस्तों, ट्यूबे का भी बताएंगे वीडियो में, बने रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के और शेयर जरूर कर दें। दोस्तों इस तरह से लेके स्विच को 16 एम्पियर से शुरू करना है, इस तरह से लेके एंड तक कर देना है दोस्तों, लास्ट स्विच जहाँ तक भी है लास्ट स्विच तक कर देना है इस तरह से। तो दोस्तों इसको फाइनली अब हम टाइट कर दिए, इस तरह से ले के दोस्तों सारा स्विच का टर्मिनल जो हम लूज किए हुए थे, स्विच को टर्मिनल को आप टाइट कर देना है इस तरह से। दोस्तों हमें टाइट कर लेना है, अब दोस्तों ये वायर जो बचा है ये वायर को हमको कट कर लेना है, थोड़ा सटा के कट कर लेना है दोस्तों इस तरह से, देख लीजिए इस तरह से कट कर लिए। अब दोस्तों ट्यूबे का कनेक्शन भी करेंगे, इस वायर को इस तरह से पहले छील लेना है, छील के दोस्तों अब हम ट्यूबे का कनेक्शन करते हैं, वायर को इस तरह से मोड़ के। वायर को हम मोड़ के दोस्तों ट्यूबे का बीच वाला टर्मिनल जो है, इस तरह से बीच वाला टर्मिनल में हमें टाइट कर देना है और यह वायर को यहाँ से हमें कट कर लेना है दोस्तों, इस तरह से कट करके। और जितना भी ये जो स्विच का वायर है जो मेरा नीचे वाला दोस्तों, इस वायर को मोड़ के यही वायर के कोई एक वायर के नीचे जोड़ देना है। दोस्तों जिन भाई ने हाउस वायरिंग नहीं जानते हैं, हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाके सीख सकते हैं हाउस वायरिंग किस तरह से करते हैं। बोर्ड वायरिंग, हाउस वायरिंग, A to Z इलेक्ट्रिक का बेसिस जानकारी हमारे चैनल पर आपको दोस्तों मिलेगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और घंटी का बटन जरूर दबा दें दोस्तों। अब चलिए दोस्तों मिनी MCB का कनेक्शन करते हैं, इस तरह से मोड़ के इसको यहाँ से हमें देना है। तो दोस्तों इस तरह से हमें इसको खोल लेना है, इस तरह से ये टर्मिनल जो है MCB वाला, ये टर्मिनल से L1 से इस तरह से खोल के इस तरह से टाइट कर लेना है इसको भी दोस्तों, ये स्विच तक नाप के इस तरह से कट कर लेना है और इस तरह से देख लेना है दोस्तों कि जो भी स्विच में मेरा जगह खाली है नीचे, जो कि मेरा इजवली टाइट हो जाए, इस तरह से हमें टाइट कर देना है इस तरह से। दोस्तों फाइनली हमें टाइट कर देना है, हो गया। आइए दोस्तों आप सॉकेट का कनेक्शन हम करते हैं। दोस्तों ट्यूबे का कनेक्शन और मिनी MCB लगाना एकदम आरा इजवली है, आप लोग अगर एक बार वीडियो वॉच कर लीजिएगा तो आप लोग A to Z वायरिंग सीख जाइएगा बोर्ड का वायरिंग। अब इस तरह से इस बोर्ड को इस तरह से खोल लेना है। दोस्तों इस बोर्ड हमारा किचन में लग रहा है, अगर दो किचन है तो ट्यूबे स्विच हमको लगाना ज़रूरी है, क्योंकि दो किचन में दोस्तों होता ही है, दो भाई रहता है, मोटर एक रहता है, तो ट्यूबे स्विच सिंगल हमको लगाना ज़रूरी होता है। तो इसलिए दोस्तों इसमें सिंगल ट्यूबे हमको लगाना ज़रूरी था, इसलिए इस वीडियो का एक कॉमेंट आ रहा था, इसलिए वीडियो बनाना पड़ा। तो दोस्तों अगर आपका भी कोई कॉमेंट है तो हमारे कॉमेंट बॉक्स में जाके आप लिंक आप कॉमेंट कर सकते हैं, आपका फरमाइश का ज़रूर है कि हम पूरा करेंगे। अब दोस्तों फाइनली मेरा वीडियो बोर्ड बन के तैयार है, चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में।